नाज़रीन पाकिस्तान डेली के साथ कमरमन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है, बारिश जो है वो लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर जो है जारी है। गुज़श्ता रात से ये बारिश जारी है और अभी भी वक्फे में उठते थे बारिश हो रही है, कभी इसमें तेज़ी आ जाती कभी रुक जाती है, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इस वक्त तक तकरीबन 3.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। महकमा मौसमियात के हकाम का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है आज पूरा दिन भी जारी रहेगा, कल सुबह तक ये बारिश जो है वो तकरीबन जारी रहेगी और उसके बाद लाहौर और साउथ की तरफ जो है वो बारिश का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन जो अगर आप बात करें झेलम से आगे और शुमाली इलाका जात की तरफ, तो कल भी शुमाली इलाका जात में और परसों भी आइंदा दो दिन बारिश रहेगी। इसी तरीके से मरी और गलियात के मुकाम पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो भी जारी, इस वक्त तक 1.5 फुट बर्फबारी जो है मरी और गलियात के मुकाम पर हो चुकी है और इसमें भी 2 दिन मजीद इसी तरीके से हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो जारी रहेगी। मौसम के साथ अगर यहाँ पर सर्दी की बात की है तो टेम्परेचर जो है इस वक्त 12 सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा रहा जो था वो 8.3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है, 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो ये सूरत हाल इस वक्त बारिश के हवाले से और महकमा मौसमियात के हकाम का कहना है कि ये बारिश जो है लाहौर में कल तक जारी रहेगी, उसके बाद जो है फिर 2 से 3 फरवरी के दरमियान दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद दरमियान में बारिशें नहीं होंगी, लेकिन मौसम इसी तरीके से रहेगा और ठंड जो है वो भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। अगर मोटरवेज पर सूरतेहाल का जिक्र किया जाए तो धुंध के बाइक जो है मोटरवेज जो है वो आज भी एक कान है कि वो बंद रहेंगी और इसी तरीके से कल तक मोटरवेज लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज और इसी तरीके से जो इस्लामाबाद के अलावा बाकी मोटरवेज हैं वो भी वक्फे से बंद करने का सिलसिला जो है वो रहेगा, लेकिन जैसे ही फिजिबिलिटी क्लियर होगी, जैसे ही वो इलाका जात क्लियर होंगे धुंध छटेगी तो वो भी खोल दी जाएंगी, लेकिन कल तक सुबह धुंध का इम्कान भी है।